आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। आज हम मौजूद हैं सब डिवीजन छात्रों के पहलगोड़ा इलाके में, जहां एक तरफ से सरकार ये दावे करती है कि हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचा। क्या इस पहलगोड़ा में क्या गरीबों को राशन मिली या न मिली, हम इन लोगों से पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को इस लॉकडाउन में किस किस मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ता है। आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है लालदीन। तो लालदीन, क्या आपको मुफ्त राशन मिला? सर हमें मुफ्त राशन कुछ नहीं मिला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम चिनगांव पंचायत बी पहलगोड़ा के रहने वाले हैं। तो लालदीन आप मुझे जरा बताएं, आपके घर परिवार कितना है? सर हमारे 6-6, 8-8 आदमी हमारा परिवार है। तो क्या आपको इस लॉकडाउन में कितना मुश्किलात हो रहा है? इस कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरी दुनिया जो है संक्रमित है, और जो सबसे ज्यादा मार जो है वो गरीब आवाम को ही, जो मजदूर लोग हैं। तो आप मुझे जरा बताएं आपको कितना मुश्किल हुआ? जी सर हमें बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि हम बिल्कुल मजदूर हैं, हम दिहाड़ी लगाने वाले हैं। हमारे गांव में बिल्कुल कोई भी मुलाजम नहीं, एक मुलाजम है हमारा बहुत बड़ा गांव, हम सिर्फ मजदूर हैं। और लॉकडाउन में हम बिल्कुल कहीं नहीं निकल सकते हैं, ना हमारे गांव में कहीं मजदूरी, हम बाहर कहीं किश्तवाड़ वगैरह में मजदूरी के लिए जाते थे। और आज हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम हमारे परिवार 8-8, 10-10 आदमी हैं, और हम बिल्कुल आधी उम्र पे पहुंच गए हैं। और आज भी हमारे जो राशन कार्ड है वो APL राशन कार्ड है हमारे। तो क्या आपको इस लॉकडाउन में राशन नहीं मिला, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ? सर हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हम राशन मिला जो BPL थे उनको मिला, और हम APL वालों बिल्कुल रह गए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है आज तक। तो चलो हमने जो पहले मजदूरी की हुई थी उस पे हमारा टाइम पास हुआ, और दुकानदारों से हमने तो उधार ले जो आपको ये APL राशन कार्ड दिया, क्या आप कभी पेशू साहब से मिले? सर हम मिले, कम से कम हमने मेंबर वगैरह को बोला थोड़ा बहुत मिले, तो बोला भाई जैसे ही कहीं सर्कुलर निकलेगा तो हम आपको राशन कार्ड दे देंगे, और वो सर्कुलर हमारे लिए आज भी नहीं निकला। तो और भी हमारे साथ बाकी जो दो बंदे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या नाम है? गुलाम हुसैन। तो गुलाम हुसैन, क्या क्या मुश्किलात आई आपको इस लॉकडाउन में, क्या आपको राशन मिली? हमें राशन नहीं मिली, मुश्किलात तो बहुत सारी आई। हम जो भी हैं यहाँ सारे गरीब तबका हैं, और दिन लगाते हैं शाम को खाते हैं। यहाँ तो जो कमाया हुआ पहले हमें था वो आज खत्म हो गया। अब दुकानदारों से कर्जा काट काट के भी तंग आ चुके हैं दुकानदार भी, अब कोई हमें कर्जा पे भी देने पे तैयार नहीं है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कासम। तो कासम भाई, क्या क्या मुश्किलात आई आपको इस? हाका मारे, क्या राशन फ्री नहीं मिला आपको? कहाँ मिले? क्या बोला डीलर ने? डीलर ने बोला जब पीछे से नहीं आए तो मैं क्या दूँ? तो राशन कार्ड कौन सा है आपके पास? APL। BPL नहीं दिया? ना BPL कहाँ दिया। आप क्या करते हो? मजदूरी करते। मजदूरी करते हो? हाँ। ने इन लोगों की ही जबान से कि इन लोगों को इस लॉकडाउन में भी मुफ्त राशन नहीं मिला। ये सारे जो हैं दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, और इन लोगों को BPL के बदले जो हैं APL राशन कार्ड दिए गए हैं, जो कि ये BPL के हकदार हैं। इन लोगों को इस लॉकडाउन में राशन मुफ्त चाहिए थी मगर नहीं मिला, क्योंकि इनके पास APL राशन कार्ड है। बस देखते रहें बोल्ड वॉइस पल पल की खबर के साथ, उन दूर दराज इलाकों से जहां से कोई कवरेज नहीं। कैमरामैन खुर्शीद हैंगर के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज पहलगोड़ा।